धोरण छ गुड मॉर्निंग विद्यार्थी विषय हिंदी पाठ एक इतनी शक्ति हमें देना दाता है आ प्रार्थना पण छे तो अने पुनरावर्तन में फरीथी हवे हूँ समझाव छू एमा तमारे खास छे ने संयुक्त अक्षर से शब्द बनाकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। क वत्ता क बराबर क कने क जोड़ेलो छे एटले धक्का उसने मुझे धक्का मारा। हवे च फाड़ियो च अने बीजो बे च भेगा था एटले कच्चा वह आम कच्चा है। त वत्ता त त एटले कूत्ता कूत्ता वफादार जानवर है। न वत्ता न एटले अन्न अन्न खेत में पैदा होता है। द वत्ता ध तो ध एटले बुद्ध वह भगवान बुद्ध की मूर्ति है। द वत्ता व विद्वान यह विद्वान पुरुष है। स वत्ता व एटले स्व विश्व विश्व में शांति होनी चाहिए। ह वत्ता य असहय आज असहय गर्मी है। द वत्ता म बराबर पद्म उसके चरण पद्म जैसे है। अब प्रश्नों के उत्तर हमें कैसे रास्ते पर चलना चाहिए क्यों हमें नेक रास्ते पर चलने चाहिए क्योंकि इसी से जीवन से सुख और शांति मिलती है। आने वाला कल कैसा होगा आने वाला कल बीते हुए कल से अच्छा होगा। हम ईश्वर के कैसी जिंदगी का कामना करते हैं हम ईश्वर से कामना करते हैं कि वह हमें जितनी भी जिंदगी दे वह भली हो। हमारे मन में कैसी भावना नहीं होनी चाहिए हमारे मन में बदले की भावना नहीं होनी चाहिए। हमें किससे बारे में सोचना चाहिए हमें यह सोचना चाहिए कि हमें दूसरों से क्या क्या मिला बल्कि यह सोचना नहीं चाहिए कि हमें दूसरों के लिए क्या किया। हमारा मन पावन कैसे बनेगा हमारा मन करुणा से जल से पावन होगा। कविता में कैसा जल बहाने की प्रार्थना की गई है कविता में करुणा का जल बहाने की प्रार्थना की गई क्यों क्योंकि उसमें हम सबका मन पवित्र बनेगा। किसकी रचना का अंत नहीं होना चाहिए ईश्वर की बनाई हुई रचना का अंत नहीं होना चाहिए। अब उदाहरण के अनुसार समान तुलने वाला शब्द लिखिए। लड़ाई उतराई कमाई चुनाई धुलाई पढ़ाई सिलाई लताए कथाए प्रार्थनाए व्यथाए सुंदरता मानवता सफलता श्रेष्ठता ग्वलिन मलिन तेलिन दर्जिन लिखावट बनावट सजावट रुकावट सुनकर लिखकर पढ़कर कहकर चिड़िया गुड़िया बुढ़िया चुड़िया। तो जो विद्यार्थियों आ मैं पाठ सवाल जवाब वाँचा जोड़ा जोड़ा अक्षर वाला शब्द ये तमने खास नहीं पाता ये खास तमारे करवाना छे तो फोटो पाड़ी मोकली तो तमारे ये लखवाना छे अने बता साझा पर मोड़े करवाना छे। पकड़ी राखू थैंक यू विद्यार्थी।